हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 9 पार्ट 9, जिसका नाम है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं मैं ये आपको पढ़कर समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। उल्टे अर्थ वाले मतलब जो शब्द लिखा है उसका उल्टा अर्थ निकले, वो शब्द कहलाते हैं विलोम शब्द। उन्हें विपरीतार्थक शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहा जाता है। तो देखिए, चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और समझिए। मोटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, बड़ा छोटा, स्वस्थ अस्वस्थ, ये देखिए आपकी बुक में तीन पिक्चर्स इधर शो हुई है और तीन पिक्चर्स इधर शो हुई है। पहला है मोटा व्यक्ति, मोटा व्यक्ति है, फिर एक पतला व्यक्ति, मतलब मोटा का उल्टा क्या होता है पतला, बड़ा का उल्टा छोटा। ये बड़ा है हाथी, बड़ा जानवर है, खरगोश छोटा जानवर है। फिर स्वस्थ अस्वस्थ, मतलब स्वस्थ याने तंदुरुस्त और अस्वस्थ याने बीमार। तो ये उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं, इन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। मोटा का विलोम शब्द होता है पतला, बड़ा का विलोम शब्द होता है छोटा, और स्वस्थ का होता है अस्वस्थ। उसके बाद आपको एक पिक्चर और है इसके नेक्स्ट पेज पर, वो है ऊंचा। ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा, ऊंचा का उल्टा क्या होता है नीचा। ऊंचा यानी इतना और नीचा यानी ये ऐसे। तो उल्टा ऊंचा का उल्टा होगा या ऊंचा का विलोम शब्द होगा नीचा। फिर नीचे प्रमुख विलोम शब्दों की तालिका दी गई है, इन्हें याद कीजिए। अब आपको इस आपकी बुक में एक टेबल शो हुई है जिसमें विलोम पहले शब्द दिए हैं, उसके बाद उनके विलोम शब्द बताए गए हैं। मैं आपको ये पढ़कर बता देती हूँ। पहला है आदर, आदर का विलोम शब्द क्या होगा अनादर या निरादर। अमृत का विष, अति का अल्प या कुछ, आशा का निराशा, ईद का मुहर्रम, एड़ी का चोटी, करुण का हास्य, खर्च का संचय, चल का अचल, छाया का धूप, जीवन का मरण, वृद्ध का बालक, राजा का रंग, पतन का उत्थान, निद्रा का जागरण, दानव का मानव, तरुण का वृद्ध, अस्त का उदय, अग्नि का जल, अमर का मृत, आलोक का अंधकार, उन्नति का अवनति, कठोर का कोमल, क्रोध का क्षमा, गुरु का लघु, चोर का साधु, जल का थल, झूठ सच, वसंत पतझड़, एक का अनेक, फूल का शूल, पवित्र का अपवित्र, और दिन का विलोम शब्द है रात। ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके विलोम शब्द भी बताए गए हैं कि इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं या विलोम शब्द क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि विलोम शब्द किसे कहा जाता है। विलोम शब्द का अर्थ होता है जो उल्टा अर्थ बताएं, मतलब जो शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। आपको इस आपकी बुक में बहुत सारे शब्द बताए गए हैं और उनके विलोम शब्द भी बताए गए हैं, तो आप इनको पढ़कर याद कीजिएगा। इस बुक इस चैप्टर के बुक के एक्सरसाइज मैं आपको फिल करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।